ये है जो रिश्ते हैं ये सुना है कि तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों को जफा मिलती है। ये सुन के आया था तेरे शहर में, यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है। इश्क बाजी वो करे जो तन की बाजी लड़ सके, घर के बर्तन बेच के माशूक को राजी कर सके। पहाड़ के ऊपर एक गांव है, बहुत ही प्यारा सा। वाव, यहाँ पे मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ हो रहा है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो, काम करते हुए यहाँ कुछ भी। चल इधर सामने आ ना। चल शायरी हो जाए। शायरी कोई प्यार भरी टूटे टूटे दिलों की दवाई, कोई इश्कबाजी वो करें। चल हाँ इश्कबाजी सुना सामने आप। सामने पहले इंट्रोडक्शन दे, कौन सी जगह में है, कहाँ व्लॉग शूट है। अच्छा राम खरपुरा खरपुररा ही रारियां देख नक्कू है नक्का की चुंटी के नाल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा एक प्यारे से गांव से, प्यारे प्यारे लोगों के बीच में। अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, हमारे भाई ने अच्छी अच्छी शायरी की है, बस थोड़ी दिल टूटे वाली करता है इसका ना, दिल टूटा है काफी बार इसीलिए। इस बेचारे को सहारा मैं दूंगा आज, इसकी दवाई मैं बनूंगा आज। तो आज की वीडियो इसके साथ स्टार्ट होने वाली है। कहाँ से? अच्छा साफ दिख रहा है, दिख रहा है साफ? अच्छा दिख रहा है। ले पकड़ फिर। अच्छा आगे सुन, इधर इधर उधर चल चल सुना। के सुनो कल सुना, ये लोकेशन किधर है? खरपुरा। खरपुरा आदि उपलियां देख ना काग चोंटी के नाम चढ़या वहां। इधर गाड़ी नहीं आती है, यहां तक हम पहुंचे हैं पैदल ट्रैक करके। गाड़ी यहाँ तक नहीं आती, गाड़ी यहाँ से दूर लगानी पड़ती है। ओ नीचे रोड में, वहाँ से ऊपर एक पहाड़ पर चढ़ के आए नीचे, वहाँ पे शादी चल रही है। कैमरामैन प्लीज वहाँ पे बताएं। चल शुरू हो जाए, शुरू किया जाए, थोड़ा नजदीक आए। हम दिख रहे हैं प्रॉपर, सारे दिख रहे हैं सब कुछ। अच्छा अज्जू, अज्जू शायरी सुना। बोलो निका बच्चा सुना है कि तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों को जफा मिलती है। ये सुन के आया था तेरे शहर में, यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है। इश्क बाजी वो करे जो तन की बाजी लड़ सके, घर के बर्तन बेच के माशूक को राजी कर सके। रमबन की गली या कोकना का राजा है, प्यार करने तो पसूरे मैदान के बीच आ जाए। ये जो रिश्ते हैं ये निकला देखिए, बैठे हुए हैं इधर काम करने के लिए। लोग सिर्फ वही जगह पे ट्रैवल करते हैं जो जगह फेमस है, मेन सिटी होगी, श्रीनगर चले जाएंगे ज्यादातर, जो जो जगह फेमस है वहां जाते हैं। पर कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए ना, ऐसे ऐसे प्यारे गांव है ना, अगर तुम 2 साल भी बैठे रहोगे घूमते रहोगे तुम बोर नहीं हो पाओगे, जो कि तुम्हें सिर्फ कश्मीर में मिलेगा। पहाड़ के ऊपर एक गांव है बहुत ही प्यारा सा, और वहां पे कुछ ऐसा नज़ारा होता है, ये देखो, ऐसा कहीं और नहीं दिखेगा तुम्हें कश्मीर के अलावा। प्यारा है, वाव। 2 दिन से मैं यहीं पे हूँ, मन ही नहीं कर रहा था कि टाइम कहीं और वेस्ट करूँ। अच्छे से यार दूर है, नहीं ये नीचे है वो। आदत नहीं ना है पैदल चलने की, आदत नहीं है पैदल चलने की, पैदल चलना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है, फिर बंदा गांव को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता है।
यहाँ पे मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ और है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो काम करते हुए यहाँ कुछ भी, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया व्लॉग की तरफ। अच्छे से मैं देख रहा था, दो दिन से यहाँ पे बैठे हूँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे। वाह चेक करो, पैदल घूमना पड़ता है यार और कुछ नहीं है, अच्छी जगह ढूंढने के लिए ना पैदल ट्रैक करना पड़ता है। ये देखो ओए आहिस्ता आहिस्ता, मेरा यहाँ पर आके ना एक व्लॉग अपलोड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा कमी है, 5G के बिना व्लॉग अपलोड नहीं होता। ओ यार बड़ी दूर है, पता नहीं कैसे आया। सब कुछ मेंटेन करने से पहले मेरे को लगता है कि हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए बंदे को ताकि बंदा कहीं पे भी जा पाए। ये अपने भाई हैं बिल्कुल भी नहीं थक रहे थे और आगे लेके जा रहे थे, पर तुम्हारे भाई में हिम्मत नहीं है इतनी, पर काफ़ी सुकून है। वाह यार क्या प्यारी जगह है यार, मज़ा नहीं आया। और ज़ोर से जान मार मार मार। वाओ और खतरनाक तरीके से, ना 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 ना, ना। मजा नहीं आया। अभी जब यहाँ से गए ना उस तरफ धूप नहीं इतनी ज्यादा, अब एकदम बारिश वाला मौसम हो गया, ठंडी हवा चल रही है एकदम।